सुहाना दिन, खिले खिले फूल, ताजी हवा और उड़ते चहचहाते पक्षी। दोस्तों, यही होता है ना एक अच्छे दिन का नजारा। और अगर आपके सामने उड़ने वाला पक्षी किसी कारण गिरकर मर जाए तो आप उसे एक इत्तेफाक समझकर इग्नोर कर देंगे। पर अगर ये घटना आपके सामने एक ही जगह बार बार हो तो जरूर आप सोच में पड़ जाएंगे और उसका कारण जानने की कोशिश में लग जाएंगे। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो रहस्यमयी हैं। वहां कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें होती हैं जिसका अंदाजा लगाना भी इंसानी दिमाग से परे है। अक्सर ये जगहें भारत के बाहर ही होती हैं, पर आज जिस रहस्यमय जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो भारत में ही है। जी हाँ दोस्तों, भारत में। दोस्तों, इंसानों के खुदकुशी करने के बारे में तो आए दिन खबरें आती रहती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि पक्षी भी आत्महत्या करते हैं? यकीनन आपको ये बात अजीब लग रही होगी कि आखिर पक्षी क्यों और कैसे आत्महत्या कर सकते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सच में पक्षी आत्महत्या करते हैं। आखिर कौन सी और कैसी जगह है वो जहां पर घुसते ही पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं, और इसके पीछे कारण क्या है जो इन पक्षियों को ऐसा करने पर मजबूर कर देता है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी जगह के बारे में बताएंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे नॉलेज और फैक्ट से भरपूर चैनल फैक्टोपिया को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आसाम में स्थित जतिंगा घाटी के बारे में। ये आसाम की राजधानी दिसपुर से लगभग 316 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव है। कुदरती नजारों से भरी ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। जतिंगा के सुंदर गांव में आपकी आत्मा को स्वस्थ करने के लिए सब कुछ है। हरे पेड़ पहाड़ को ढक लेते हैं और सफेद बादल आकाश में तैरते हैं। ये दृश्य आपके दिल को इस ग्रामीण इलाके की तरफ मोहित करने के लिए काफी है। आसपास हरे भरे पेड़, सुंदर वादियाँ, हरियाली और उतने ही अच्छे सीधे और साफ दिल लोग। पर दोस्तों, जिंदगी और मौत का रहस्य जितना सुलझा हुआ है उतना ही उलझा भी है। जतिंगा घाटी एक ऐसी जगह है जहां मौत के रहस्य में उलझकर आसमान को छूने वाले पक्षी खुद मौत को गले लगा लेते हैं, यानी आत्महत्या कर लेते हैं। यहां एक दो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में पक्षी आत्महत्या करते हैं। जब ऐसा होता है तो ये इलाका मरघट में बदल जाता है। सामूहिक पक्षी आत्महत्या की यह घटना 1910 से होती आ रही है। हालांकि यहाँ के लोगों को यह पता लग गया था, पर अपने कामों और मुश्किलों में फंसे इन लोगों ने बाहर इस घटना का ज्यादा जिक्र नहीं किया। ये घटना स्थानीय चर्चा तक ही सीमित थी। लोगों ने पहली बार जब देखा तो जंगलों के बीचों बीच कुछ पक्षियों की लाशें किसी ढेर की तरह पड़ी हुई थी। एक दो पक्षी नहीं बल्कि यहाँ दर्जनों पक्षी रात के सन्नाटे में उसी जगह पर एक साथ बेजान क्यों हो गए, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। और यहीं से शुरुआत हुई जतिंगा के इस दर्दनाक इतिहास की। इस वारदात के बाद आए दिन उसी जगह पर पक्षियों की ऐसी रहस्यमय मृत्यु देखने को मिलती रहती है। साल के ज्यादातर महीनों में सब कुछ नॉर्मल रहता है। पक्षी आते हैं, जाते हैं, रहते भी हैं, पर सितंबर और अक्टूबर महीनों में पता नहीं क्या हो जाता है कि यहाँ आने वाला हर पक्षी उस जगह से उड़ते ही मर जाता है। 1910 में शुरू हुई ये घटना दुनिया के सामने बहुत साल बाद आई। इस भयानक सच्चाई के बारे में दुनिया को 1957 में पता लगा, जब पक्षी विज्ञानी ईपी गी ने अपनी पुस्तक वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में इसका वर्णन किया। किताब में उन्होंने बताया कि जब वो मशहूर बर्ड वॉचर सलीम अली के साथ भारत के अलग अलग कोनों में घूम रहे थे तो वो जतिंगा घाटी भी गए। उन्होंने बताया कि वो काफी सालों से पक्षियों के बिहेवियर और लाइफ को स्टडी करते आए हैं, पर जतिंगा में जो कुछ भी उन्होंने देखा और एक्सपीरियंस किया, खासकर पक्षियों द्वारा करी जाने वाली आत्महत्या, इतनी एबनॉर्मल एक्टिविटी थी, इतनी अलग थी कि वैसा दुनिया के किसी भी कोने में कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया था। इस इंसिडेंट के किताब में आने के बाद बहुत सारे टूरिस्ट और पक्षी वैज्ञानिक इस जगह की ओर आकर्षित होने लगे। अब इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो सरकारी संस्थानों की नजरों में भी इस जगह का आना तो बनता ही था।
साल 1977 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुधीर सेन गुप्ता को इस जगह पर यहाँ की जांच और रिसर्च की जिम्मेदारी सौंपी। इस रिसर्च का पूरा खर्चा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने उठाया। सुधीर सेन गुप्ता ने महीनों तक इस मामले की जांच की। उन्होंने मरे हुए पक्षियों और जिंदा पक्षियों को एक साथ रखकर काफी गहराई से उन सभी को स्टडी किया और काफी रिसर्च के बाद उन्होंने कुछ बड़ी ही दिलचस्प बातें बताई। उन्होंने बताया कि ये सभी पक्षी मौत से पहले एक ही जैसा मिलता जुलता हाव भाव रखते हैं, बहुत अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने इन पक्षियों पर जादू टोना किया हो। उन्होंने बताया कि जितने भी पक्षी इस इलाके में मर रहे थे वो सभी खाली पेट थे। कोई भी पक्षी ने कम से कम 3 घंटे से कुछ भी नहीं खाया था। जो पक्षी यहाँ पर आते थे मानो पैरालाइज होने लगते थे, उनकी मांसपेशियां अकड़ने लगती थी और तो और वो सारे पक्षी खाना खाना बंद कर देते थे। दोस्तों, ये काफी हैरानी वाली बात थी क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस इलाके में कीड़ों की या पेड़ पौधों की कोई कमी हो। बड़े बड़े खेत हैं जहां कीड़े आसानी से मिलते ही होंगे। ये इलाका ऐसा है जहां पर कोई इंसान तो भूखा मर सकता है पर पक्षियों के लिए खाने की कोई कमी नहीं है। फिर ऐसा क्यों हो रहा था कि यहाँ आने के बाद पक्षी जानबूझकर खाना खाना बंद कर देते थे और अपनी मौत का इंतजार करने लगते थे? सुधीर सेन गुप्ता का ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि द बर्ड्स किल्ड देमसेल्व्स विद लैमिंग लाइक डिटरमिनेशन। हिंदी में बोले तो ये सभी पक्षी किसी के द्वारा मारे नहीं जाते थे, बल्कि वो अपनी मर्जी से आत्महत्या करने के पीछे पड़े रहते थे। लेकिन इस इलाके में ही उनके साथ ऐसा क्यों होता था, ये बात किसी के पल्ले नहीं पड़ी। आपको बता दें कि ये मिस्ट्री अभी तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई है। इसके पीछे कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरीज दी है। जैसे कई पक्षी वैज्ञानियों ने पक्षी आत्महत्या थ्योरी को खारिज कर दिया है। उनका दावा है कि गांव वाले खुद ही भोजन के लिए सभी पक्षियों को मार रहे हैं। उनके अनुसार स्थानीय आदिवासी रोशनी या लालटेन का उपयोग करके पक्षियों को लुभाते हैं और फिर उन्हें बांस की डंडियों से मार देते हैं। लेकिन ये थ्योरी इस बात को समझाने में विफल है कि पक्षी केवल सितंबर और अक्टूबर के बीच ही रोशनी की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। एक अन्य थ्योरी तेज हवाओं और जितिंगा की आसपास की पहाड़ियों की ऊंचाई के संदर्भ में इस घटना की व्याख्या करती है। इस थ्योरी के अनुसार इन महीनों के दौरान अनुभव की जाने वाली तेज हवाएं, कोहरे और ऊंचाई का संयोजन पक्षियों में भटकाव का कारण बनता है और वो इमारतों और दीवारों से टकराने लगते हैं और उनकी मौत हो जाती है। एक अन्य थ्योरी का दावा है कि इन महीनों के दौरान असामान्य मौसम अंडरग्राउंड वाटर की मैग्नेटिक फील्ड को बदल देता है, जिससे पक्षियों में भटकाव पैदा होता है और उनका व्यवहार विचित्र हो जाता है। लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरी पक्षियों के विचित्र व्यवहार को पूरी तरह से समझाने में सक्षम नहीं है। सच्चाई जो भी हो, इस बात से इनकार करना कठिन है कि जतिंगा के विचित्र गांव के ऊपर आसमान में निश्चित रूप से कुछ अजीब है, जिसने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दिमागों को सफलतापूर्वक चकित कर दिया है। वैसे आपके हिसाब से जतिंगा में होने वाली इन रहस्यमय घटनाओं के पीछे क्या वजह हो सकती है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। ये भी बताइए कि क्या आपने पहले इस इंसिडेंट के बारे में सुना था या आज हमारी वीडियो के द्वारा पता चला। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक दिल से धन्यवाद।